अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि के जीवन में अनेक संकट आए परंतु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब संभव हुआ लक्ष्मी और उसके ग्रहों के कारण, परंतु अब समस्या बदल चुकी है, ग्रह बदल चुके हैं नीलम जी, ग्रहों की चाल बदल गई है, अब सब उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋषि की कुंडली का मार्केश दोष लक्ष्मी ने बचा लिया। जिस प्रकार मीठे पानी में सादा पानी मिला देने से उसकी मिठास कम हो जाती है, उसी तरह पति पत्नी के ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। ऋषि और लक्ष्मी के विवाह पर जो मंत्र पढ़े गए उसमें दोनों की कुंडली एक हो गई और ऋषि के ग्रहों का कठोर एवं बुरा प्रभाव कम करने से लक्ष्मी की शक्तिशाली कुंडली अब निर्बल और शक्तिहीन हो गई है। जो संकट पहले ऋषि को था वही संकट अब लक्ष्मी को हो गया है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अब लक्ष्मी जी, अब लक्ष्मी के जीवन को संकट है। पंडित जी, आप ये बात किसी से कहिएगा मत। हे भगवान, सबसे ज्यादा तो ऋषि को ही नहीं बताना था और इसी ने सुन लिया। क्या कह रहे थे पंडित जी? पंडित जी बताइए, क्या कह रहे थे आप मॉम से? पंडित जी बताइए, क्या कह रहे थे मॉम से? देखिए कितनी शॉक्ड हो गई, क्या कहा आपने उनसे? थैंक गॉड ऋषि ने कुछ सुना नहीं। पंडित जी बताइए ना। ऋषि, एक्चुअली पंडित जी कह रहे थे कि लक्ष्मी की शादी के लिए 20 तारीख का मुहूर्त बहुत अच्छा है और शादी 20 तारीख को करनी होगी। कोई बात नहीं, करवा देंगे। मैं करवा देंगे मतलब 20 तारीख शादी है ऋषि, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? इतनी तैयारियां करनी होंगी, इतना कुछ करना होगा, एक ही हफ्ता है बस। अनुमा, टाइम बहुत कम है लेकिन सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब हो जाएगा अच्छे से। सब कुछ हो जाएगा? सब हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है पंडित जी, तय कर लेते हैं। आप ऋषि कह ही रहे सब कुछ हो जाएगा, और आप 20 तारीख ही कह रहे थे ना कि शुभ है लक्ष्मी की शादी का? 20 की तारीख जो है वो शादी के लिए उत्तम मुहूर्त है। परफेक्ट पंडित जी, 20 तारीख तक सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सारी तैयारियां हो जाएंगी। बस आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं हूं ना, लक्ष्मी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू ऋषि, तुम जाओ, तुम जाकर अपने डैड और दादी को सब बता दो, हम पंडित जी के साथ बाकी बातें तय कर लेते हैं और लक्ष्मी की होने वाली मदर इन लॉ को भी बता देते हैं। जी। एक चीज पूछनी थी पंडित जी आपसे, आपने कोई अंधविश्वास वाली बात तो नहीं की है ना? या फिर कुछ ऐसा जो लक्ष्मी के लिए सही ना हो, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? पंडित जी का काम तो सिर्फ हमें बताना है ना ऋषि, अब उस पर विश्वास करना ना करना ये तो हमारे ऊपर है, और वैसे भी ऐसे अचानक अंधविश्वास कहाँ से आ जाएगा? तुम कब से ये सारी बातें मानने लगे? तुम ये सब मत सोचो, सब ठीक है, कोई ऐसी बात की बात है ही नहीं। सब सही हो जाएगा ना पंडित जी, सब सही है ना? अब इससे अच्छा क्या होगा ऋषि, विक्रांत इतना अच्छा लड़का है, लक्ष्मी लक्ष्मी को इतना अच्छा लड़का मिल गया है, तुम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही है वो, बस अब तो ये रिश्ता हाथ से छूटना नहीं चाहिए। आई एम श्योर विक्रांत से शादी करके लक्ष्मी की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, खुश रहेगी वो हमेशा। या मां, आई नो, जो भी हो रहा है लक्ष्मी के लिए बिल्कुल सही हो रहा है, मैं लक्ष्मी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। आयुष्मान भव बेटा। थैंक यू। हम भी थैंक यू। क्यों, आप लक्ष्मी के बारे में इतना सोच रही हैं? उसके लिए
थैंक यू पंडित जी, आपने ऋषि को लक्ष्मी के बारे में नहीं बताया। लेकिन लक्ष्मी का क्या, उसके जीवन पर घोर संकट है। पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा ना? नीलम जी, ऋषि के लिए तो लक्ष्मी मिल गई थी, लेकिन लक्ष्मी के लिए कोई उपाय नहीं है। अब ये लक्ष्मी के भाग्य पर है और भगवान के हाथ में है कि लक्ष्मी इस कुंडली दोष से कैसे बचेगी। इसके आगे हम कोई गणना नहीं कर पाए, परंतु इतना तय है कि 4 से 5 बार उस पर मृत्यु का संकट होगा। किंतु वो कहां से होगा, कैसे होगा, ये बताना इस वक्त संभव नहीं है। ऋषि को शक्ति देने में लक्ष्मी के ग्रहों ने कितनी शक्ति खो दी है, उसी से तय होगा कि वो जीवन जीतेगी या मृत्यु, क्योंकि इसके बारे में अभी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। परंतु इतना तय है कि 4 से 5 बार मृत्यु का संकट बनेगा लक्ष्मी के जीवन पर। एक बार बचेगी, उसके बाद दोबारा होगा, अगर लक्ष्मी बच गई तो। तो ये मृत्यु का घात अगर है, कब कब होगा ये कुछ पता है? हाँ, लक्ष्मी का जीवन कभी भी पूर्ण हो सकता है, लेकिन ये कितना बचा है ये नहीं जान पाए। लेकिन हम ये जान पाए हैं कि वो संकट कब है, इसका अनुमान निकाल लिया है हमने। तो बताइए। इसमें लिखा है कि कब कब लक्ष्मी के जीवन पर मृत्यु का संकट है। लक्ष्मी के जीवन के लिए आप क्या कर सकती हैं वो आप देख लीजिए। मेरा कर्तव्य था बताना, वो मैंने बता दिया है। अब आप अपना कर्तव्य निभाएं, जो होना है वो होकर रहेगा। अब ये देखना है कि लक्ष्मी के भाग्य में क्या लिखा है। जय श्री राम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।